लस्सी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 200 ग्राम ताज़ा और गाढ़ा दही। इसे मैं हैंड बीटर से मिक्स कर लूँगी। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ भीगे हुए बादाम। मैंने यहाँ 20 भीगे हुए बादाम लिए हैं। इसी में डाल दूँगी मैं काजू। यहाँ पर मैंने काजू भी भिगो कर रखा था। मैंने 50 ग्राम काजू लिया है। इसी में डाल दूँगी मैं चीनी। मैंने यहाँ 60 स्पून चीनी ली है। चीनी को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें। इसे मैं दरदरा पीसूँगी। ये देखिए ये पीसकर रेडी है। मैंने इसे बिल्कुल बारीक नहीं पीसा है, इसे मैंने हल्का सा दरदरा पीसा है। आप चाहें तो इसे पीसने की बजाय छोटे टुकड़ों में कट भी कर सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए ये हल्का दरदरा है। इससे लस्सी का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा और लस्सी गाढ़ी भी रहेगी। तो इसे मैं फ़िलहाल साइड में रख रही हूँ। अब मैं यहाँ पर फिटे हुए दही में डाल दूँगी काजू बादाम और चीनी वाला पेस्ट जो भी हमने पीस कर रेडी किया था। रेसिपी पसंद आने पर आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर कर दें ताकि जैसे ही मेरी वीडियो आए आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। इसी में डाल दूँगी मैं 1 टीस्पून इलायची पाउडर और बहुत ही अच्छा टेस्ट देने के लिए इसमें डाल रही हूँ मैं 2 टीस्पून गुलाब जल। इन सारी चीज इसको आप देसी टच देने के लिए मिट्टी के बर्तन में भी सर्विंग कर सकते हैं और ऊपर से इसमें डाल सकते हैं ताज़ा मलाई जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ। और इसी में डाल दूँगी मैं भीगे हुए बादाम और काजू। अब ये लस्सी सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो सर्विंग के टाइम पे लस्सी में बर्फ़ के टुकड़े भी ऐड कर सकते हैं।